इस्लामी दुनिया की पहली औरत वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 21 जून 1953 ईस्वी में कराची में पैदा थी। बेनजीर भुट्टो अगोणे वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की वही न्याणी और पहरी औलाद हुई। उन बुनियादी तालीम कराची में हासिल कई जडे आला तालीम इंग्लैंड के मोतबर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड और अमेरिका की हार्वर्ड में हासिल कई। बेनजीर भुट्टो 5 साल की हुई तो संदस वालिद जुल्फकार अली भुट्टो अयूब खान की हुकूमत में वजीर बनो। अगत हली हुई अयूब खान की आमिरत में मुल्क जो परडी वजीर थो। वह 14 वर्ष की हुई तो संदस वालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बुनियाद विधो। बेनजीर नंढड़ी उम्र में दुनिया के चोटी के सियासतदान का न सिर्फ वाकिफ हुई पर पंजे पी जुल्फकार भुट्टो से गड परडी दौरन से भी वेंदी हुई जैं दौरान हुआ चीनी इनकलाब की अहम शख्सियत वजीर आजम चू इन लाई हेनरी किसिंजर इंदिरा गांधी का वेंदे दुनिया के चोटी के सियासतदान से मिली। बेनजीर भुट्टो पंजी वालिद का तमाम घनी मुतासिर हुई। बेनजीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई दौरान शागिर्द सियासत में सरगर्म रही और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की शागिर्द यूनियन की सदर पिण बनी। 1971 ईस्वी में जैसे पाकिस्तान टुटो और ओभर पाकिस्तान बंग्लादेश बनजी वो तो पाकिस्तानी फौज जहा 91,000 अहलकार भारत वट कैद हुआ। उन मौके से जुल्फकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी से तारीखी शिमला ठा कर उन तारीखी ठा के मौके से बेनजीर भुट्टो जुल्फकार अली भुट्टो से गड हुई। 5 जुलाई 1973 ईस्वी से जैसे आमिर जनरल ज़ियाउल हक जुल्फकार अली भुट्टो की चूंडियल हुकूमत जो तख्तो ऊंदो कदे इक्तदार से कब्जो किया तो बेनजीर की जिंदगी जा दुखिया दिन शुरू थे। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। संदस वालिद की अदालती कतल बाद उन पंजी अमर नुसरत भुट्टो से गड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वागू संभालियों जै दौरान बेनजीर नुसरत भुट्टो से गड 6 महीना जेल और 6 महीना फौजी हुकूमत की नजरबंदी हेठ गुजारा। 1981 ईस्वी में पंजी अमर से गड रस्मी तौर पीपल्स पार्टी की को चेयरपर्सन बनने का फेबरवरी 1981 में मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी MRD की तहरीक की शुरुआत कई जी आमिर ज़ियाउल हक़ की हुकूमत खात्मे मुल्क में जमहूरियत की बहाली वाली जदोजहद हुई। MRD तहरीक दौरान बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो जमहूरियत की बहाली लाए लखे मानन सा गड सजे पाकिस्तान में जदोजहद कई जै दौरान हजारें सियासी कारकुनन के ज़िया की आमिर हुकूमत कैद कर। 1981 ईस्वी में बेनजीर भुट्टो के भा मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो पारा ठायल तंजीम अल ज़ुल्फ़कार जैसे सियासी कैदन की आज़ादी लाए PIA जो जहाज हाईजैक कर तो बेनजीर भुट्टो के बीहर गिरफ्तार किया वो। जुलाई 1950 ईस्वी में बेनजीर भुट्टो के नंढे भा शाहनवाज भुट्टो के फ्रांस के शहर कैंस में जहर दे मार वो जो बेनजीर मूजिब ज़िया की हुकूमत के कतल थो। बेनजीर भुट्टो भा जो मुड़ पाकिस्तान अचान बाद भी गिरफ्तार कई वही एक महीने के कैद का इलाज के सिलसिले में यूरोप हली वही। 1986 ईस्वी में मुल्क वापसी दौरान लाहौर में लखे मानन संदस इस्तकबाल किया उन दौरान हुआ कदें गिरफ्तार तो कदें नजरबंद रही पर आमिर के खिलाफ आवाज उथारींदी रही। अगस्त 1988 में आमिर ज़िया समेत बेन हुकूमत के अहम मानन सा भरल जहाज किरी तबाह थो जैसा पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन आमिर की हुकूमत जो खात्मो थो। 1988 की चूंडन का पीपल्स पार्टी अक्सरियत से कामयाब थी जैसे नतीजे में बेनजीर भुट्टो दुनिया की नौजवान तरीन ए मुसलमान मुल्क में पहली औरत वजीर आजम बनी। बेनजीर के वजीर आजम बनने बाद इंतहा पसंद ए तंग नजर मानन संदस औरत वजीर आजम थे वे पैमाने से प्रोपेगेंडा कई पर उनके बावजूद वह साबित कदम रही। बेनजीर भुट्टो हुकूमत में अचान का ज़िया की आमिरत दौरान कैद कल सभी सियासी कैदन के आज़ाद किया। बेनजीर भुट्टो की पहली जमहूरी हुकूमत के अगस्त 1990 ईस्वी में सदर गुलाम इसहाक खान खत्म कर छोड़ो। संदस हुकूमत के खात्मे बाद थियल चूंडन में इस्लामी जमहूरी इतिहाद नवाज शरीफ की अगुवाणी में हुकूमत जोड़ी तो बेनजीर भुट्टो मुखालिफ धुर की अगुवाण रही। बेनजीर भुट्टो 1993 ईस्वी में बो भेरों मुल्क की वजीर आजम बनी तो संदस भा मीर मुर्तज़ा भुट्टो के संदस ही हुकूमत में कतल किया वो। 4 नवंबर 1996 ईस्वी में पीपल्स पार्टी के ई हिमायती सदर फारूक लेगारी बेनजीर की हुकूमत के करप्शन जो इल्ज़ाम मुड़ींदे बरतरफ कर छोड़ो। 1998 ईस्वी में बेनजीर भुट्टो पान जलावतन थी वही 9 साल उन लंडन और गडियल अरब अमारात में गुजारा। 1999 ईस्वी में मुल्क में मार्शल लॉ लागू थी नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म कर एक भेरों बीहर मुल्क आमिरत के वर चढ़ी वो। जनरल परवेज मुशरफ की हुकूमत की 8 साल मुल्क में जमहूरी निज़ाम आने लाए बेनजीर भुट्टो मुल्क में जमहूरियत की बहाली लाए नून लीग सरबराह नवाज शरीफ से मीसा के जमहूरियत से ठा कर जै मूजिब पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली लाए गडियल तौर जदोजहद इतफाक थो। बेनजीर भुट्टो 9 साल की जलावतनी का जैसे अक्टूबर 2007 में डे मोटी तो कराची में मानन के समुंड संदस इस्तकबाल कयो। For so many months and years, I counted the hours, I counted the minutes and the seconds just to see this land. This is the real Pakistan, and if we get democracy,
this is the face of Pakistan, the world will see. Not the face of the extremists who have tried under dictation. पर उन ही डींह संदस काफिले ते आपघाती बमबार हमलों कयो जै में बेनजीर त महफूज रही पर 150 खां वधिक मानू मारजी वया ए 500 जे लगभग जख्मी थी पया। जनरल परवेज मुशरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बरतरफ करे मुल्क में इमरजेंसी लागू कई तो बेनजीर भी डेह आई वकीलन की तहरीक की हिमायत कई। 2028 में आम चूंडन के ऐलान बाद बेनजीर भुट्टो सजे मुल्क जा दौरा कया खेस दहशतगर्दन तरफा मोतमार धमकियों मिली पर उन बावजूद उन चूंडन मुहिम राबता जारी रखा। 27 दिसंबर 2007 की सुबह बेनजीर भुट्टो अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई से मुलाकात कई। मझंद जो रावलपिंडी में जलसे के खिताब किया। उन जलसे के खिताब कदे जी ही हुए वापस वही रही हुई तो एक अफगाती बमबार संदस काफिले से बम धमाको किया ए दहशतगर्द खेस गोलियों हणी शहीद कर छो। बेनजीर भुट्टो के कतल से सजे मुल्क में सोगवारो माहौल पैदा थी वो। बेनजीर भुट्टो शहादत के दहाके का सजी दुनिया में जमहूरियत के लिए जिदोजहद करण से खेस भेटा पेश कई पी वे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अज भी लखें मानून खास कर औरतन लाए उत्साह बनल है तो उ सियासत में हिस्सों वही समाज में बुनियादी तब्दीली आने सकन थी।